नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कोई भी कैरेक्टर को लिप्स का सिंक्रनाइज कैसे करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाइप का जो है लिप्स सिंक्रनाइज, जैसे इसके जबड़े भी आप देखें तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस टाइप का जो एनिमेशन क्रिएट करते हैं वो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कोर्स दिखा रहा हूँ जो कि यूडमी पे है, अभी मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, जिसको कि आप देख सकते हैं 138 स्टूडेंट ने ख़रीदा है और इसका प्राइस जो है 1799 रुपया है, लेकिन इसका कूपन कोड अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 399 रुपये में ये कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। इसका कूपन कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन आ रहा है वहाँ पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं हम कोर्स की बात करते हैं तो पहले मैं इंट्रोडक्शन बताया हूँ और जिसमें कि हमने पूरा जो है कैसे क्या होता है टूल्स के बारे में भी डिटेल से बताया हूँ। उसके बाद मैं कैरेक्टर को कैसे बनाते हैं एनिमेशन के लिए वो भी मैं आपको डिटेल से बताया हूँ, हर टाइप के कैरेक्टर जैसे एनिमल का हो गया, ह्यूमन का हो गया, हर टाइप का। उसके बाद अगर देखते हैं जो है एनिमेशन के लिए, तो एनिमेशन में भी मैं सब टाइप से कैरेक्टर को एनिमेशन करके दिखाया हूँ, जैसे देख सकते हैं आप एनिमल्स का भी है और कार का एनिमेशन है, फ्रंट व्यू बैक व्यू सभी टाइप के कैरेक्टर को एनिमेशन करके दिखाया हूँ। उसके बाद अगर जाते हैं यहाँ पे जो है लास्ट में, तो हमने एक छोटा सा जो है स्टोरी भी क्रिएट करके दिखाया हूँ, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये कोर्स इनरोल कर सकते हैं और ये सिर्फ आज के लिए है, 399 रुपये में आपको कोर्स ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा। इस जो कूपन कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको अप्लाई करते हैं तो आपको देख सकते हैं 399 रुपये में मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर बात करते हैं एक और कोर्स में लगाया हूँ जो कि कार्टून एनिमेटर 4 का है, इसमें भी आपको जो है पूरा डिटेल से वीडियो बना हुआ है आप देख सकते हैं, और इसमें भी इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, कैरेक्टर को एनिमेशन कैसे करते हैं और मैं स्टोरी कैसे बनाते हैं वो सभी डिटेल से बताया हूँ। इसका जो लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका भी कूपन कोड वहाँ पे दिया हुआ है, जिसको अप्लाई करके ये 399 रुपये में कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो अब हम जो है वीडियो में वापस आते हैं और देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये एक कैरेक्टर है और इसमें मैं जो है लिप्स को लगाऊंगा। अगर हम इलस्ट्रेटर में देखते हैं तो हमारे पास जो है ये सारा लिप्स जो है यहाँ पे बना हुआ है। इस लिप्स को हम क्या करेंगे, वहाँ पे लेके जाएंगे और इसको लिप्स का सिंक्रनाइज करेंगे। आप देख सकते हैं जो हम अगर कोई भी कैरेक्टर जब बनाते हैं उसका जो लिप्स का सिंक्रनाइज करते हैं, आप देख सकते हैं इसके लिप्स जो है ऊपर का जो है सेम रहता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो नीचे की तरफ, इसका जो जबड़े होता है वो नीचे ऊपर होते रहता है। इसी टाइप से हम इसके भी लिप्स को हम बनाएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, सभी को इस टाइप से ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, एनिमेट सीसी में जाते हैं। एनिमेट सीसी में आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, F8 करके सिम्बल में कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको छोटा करते हैं कुछ इस टाइप से और इसको मैं क्या करूँगा, मैच करूँगा। एक किसी को मैं मैच करूँगा तो ऑटोमेटिक जो है सभी जो है मैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस टाइप से जो है ये मैच हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को मैं नीचे के लेके आता हूँ, ये जो इसके जो ईयरलिंग है इसके नीचे, और इसका नाम मैं कर देता हूँ लिप्स, और ये लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, सभी को मैं सेम जगह पे रखूँगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सभी को F8 करके सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ। मैं सभी को F8 करके सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ। इस टाइप से हमने कर लिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाते हैं, अभी देखिए हमारे पास जो है ये, और सभी को मैं यहाँ से एक एक करके हर फ्रेम अलग अलग फ्रेम पे रखेंगे। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ।
कट करने के बाद क्या करूँगा, F7 प्रेस करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आ गया। और इसी टाइप से मैं यहाँ पे रखूँगा और फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कट करूँगा, F7 प्रेस करता हूँ, पेस्ट कर दूँगा। इस टाइप से जो है सभी को हम अलग अलग फ्रेम पे क्रिएट कर लेते हैं। इस टाइप से जो है हमने सभी को अलग अलग फ्रेम पे कर लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाहर जाते हैं। बाहर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको पॉइंटर को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, जो ये प्लस पॉइंट है इस पे मैं रखूँगा सभी को। देखिए इस टाइप से मैं सबको जो है यहाँ पे रखते हैं और इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको भी यहाँ पे, जो कि हमारा सही से अरेंज हो। इस टाइप से हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाहर जाते हैं और इसको मैं रखूँगा यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको सही से हम अरेंज करेंगे। शुरू में जाते हैं, ये हमारा जो है इस टाइप से क्रिएट हुआ है। अब हम इसके अंदर जाते हैं। अंदर आने के बाद मैं जो है ये सभी को सेम जगह पे प्लेस करूँगा। अभी देखिए कुछ इस टाइप से हिल रहा है, मैं सेम प्लेस पे करूँगा सबको। इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, एक फ्रेम हम करेंगे और इसको मैं क्या करता हूँ, इस पर एग्जैक्ट प्लेस पर रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं एग्जैक्ट प्लेस पर रखूँगा। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप से सभी को जो है एकदम फिक्स प्लेस पे रख दूंगा, जो कि जो है जब एनिमेशन करें तो हमें लगे एक जैसा रखा हुआ है। इस टाइप से हमने जो है सभी को, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मैंने रख दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाहर जाते हैं, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, इसके बाहर जाते हैं। बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो है कुछ इस टाइप से इसका जो लिप्स का सिंक्रनाइज होने लगा है। इस टाइप से हमारा जो है आप देख सकते हैं हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी साउंड लेके आता हूँ। आप देख सकते हैं इसका बहुत तेज़ हो रहा है इसका जो है लिप्स का सिंक्रनाइज। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक एक फ्रेम आगे बढ़ा दूँगा। F5 प्रेस करके दो फ्रेम मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस टाइप से हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब देखते हैं, आप देख सकते हैं इसका जो एनिमेशन कुछ इस टाइप से हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक जो है साउंड को लेके आऊँगा। मैंने यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं लिप्स को मैंने इस टाइप से अरेंज कर दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी साउंड लेके आऊँगा। ये हमारे पास लिप्स है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और हमारे पास एक साउंड है, इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसमें साउंड आ गया है। मैं साउंड को देखता हूँ कहाँ तक है ये, F5 प्रेस करते हैं, ये साउंड को देखना पड़ेगा कहाँ तक है। हम वहाँ तक जो है इसके लिप्स को भी सिंक्रनाइज करेंगे। आप देख सकते हैं साउंड हमारा यहाँ तक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक जो है सभी फ्रेम को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कुछ इस टाइप से और F5 प्रेस करते हैं तो हमारा जो है लिप्स भी यहाँ तक आ गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस लिप्स को सेलेक्ट करते हैं, 0 फ्रेम पे जाते हैं और इस लिप्स को भी हम सेलेक्ट करते हैं
और यहाँ से तो जब लिप्स को सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं इस पैनल में जहाँ पे प्रॉपर्टी है, नीचे हमारे पास जो है लिप्स सिंक्रनाइज दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये लिप्स आ जाता है, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करूँगा। यहाँ पे देखिए नॉर्मल के लिए है, नॉर्मल हमारे पास जो भी लिप्स हमने रखे हैं, देखिए यहाँ पे सारा लिप्स आ गया है। नॉर्मल के लिए मैं 1 प्रेस कर दूंगा, इसके लिए मैं 2, 3, 4, इस टाइप से सभी को हम क्या करेंगे, इसमें अलग-अलग हम लिप्स को रख देते हैं। इस टाइप से हमने इसको रख दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि किस लेयर के अकॉर्डिंग आपको सिंक्रनाइज कराना है इस लिप्स को। हमारे पास देखिए जो लेयर है वो 8, जो साउंड है वो 8वें लेयर पे रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है 8 ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर आपको कोई और भी बहुत सारा साउंड अगर लगा रहे हैं तो उस साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और वो जो लिप्स होगा उसी साउंड के अकॉर्डिंग सिंक्रनाइज होगा। अभी जो ही हम ओके प्रेस करते हैं ये लिप्स जो है ऑटोमेटिक सिंक्रनाइज हो जाएगा। हम करते हैं डन, जो ही डन पे प्रेस किया आप देखिए इसमें जो है लेयर पे बहुत सारा जो है यहाँ पे लिप्स आ गया है और इसके लिप्स के अकॉर्डिंग जो है इसको आप देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, 0 कर देता हूँ, 0 रहेगा। अभी देखिए ये जो है लिप्स ऑटोमेटिक सिंक्रनाइज होना शुरू हो गया। कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, देखिए अभी देखिए ये लिप्स जो है सिंक्रनाइज नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ कहाँ पे है, इसके बाहर जाते हैं। यहाँ पे बाहर जब आते हैं देखिए यहाँ पे कोई भी फ्रेम क्रिएट नहीं है, हमें जितना अंदर साउंड जहाँ तक है वो फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 15 सेकेंड तक ये यहाँ पे है साउंड। मैं इसके बाहर जाते हैं, बाहर आने के बाद मैं इसको 15 सेकेंड तक फ्रेम क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं F5 प्रेस करते हैं और अब मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो लिप्स है ऑटोमेटिक साउंड के साथ सिंक्रनाइज होना शुरू हो गया है। तो इस टाइप से दोस्तों कोई भी जो है साउंड अगर आपके पास है और लिप्स अपने बना लिए, इसके जो लिप्स जो है सिंक्रनाइज करा सकते हैं। और इसका आप देख सकते हैं इसके जबड़े भी जो है कुछ इस टाइप से हिल रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास जो है इसका जो बिंदी है वो हिल रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको फिक्स करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाते हैं, इस जो है इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर भी जाते हैं और इसके देखेंगे इसको बिंदी को। तो बिंदी पे देखिए यहाँ पे एक पॉइंटर लगा है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो है ये फिक्स हो गया। अब मैं इसके बाहर जाते हैं, कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, अब देखिए इसका बिंदी जो है फिक्स हो गया। तो दोस्तों इस टाइप से जो है कोई भी कैरेक्टर के लिप्स का सिंक्रनाइज करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।